साथ ही हमने कुछ सेट किए इतना पता चला कि सर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिकी जहां अब हम इसको और अच्छे लेवल पर ले जाने वाले हैं। जहां हम दो सेट्स इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि राउंड रॉबिन में और कैसी कैसी वैरायटी हमें मिल सकती है एक सेट है क्रिकेट टूर्नामेंट पर बेस्ड और एक है फुटबॉल टूर्नामेंट पर पर बेस्ड बेस्ड तो पहले हम क्रिकेट क्रिकेट वाला वाला करेंगे जो जो है 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 वो कहीं कही कहीं ना लास्ट लेक्चर में हमने किया उसी सो इट काइंड ऑफ जस्ट रीड द होल क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन सारे डिस्प्ले करा दूंगा पहले आप अपने लेवल पर पूरा पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करो। बिकॉज़ इफ यू और अगर, अगर आपको, पूरा समझ, में आ जाता है, आपको समझ में आ रही है, कि, हमें समझ में आने लग रही है और हमसे सॉल्व भी हो रहा है ऑन दी अदर हैंड इफ यू फेल टू डू सो कि सीखनी है अभी तो हमारी तो स्टार्टिंग स्टेज है अभी तो हमने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के लेक्चर फोर पर आए अभी हमें और भी लेक्चर्स कवर करने हैं जहां हम और डिफिकल्ट और अच्छे लेवल के सेट को भी सॉल्व करने वाले सो हैव अ लर्निंग इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सेट्स ऑब्जर्व सर गलतियां कहां हो रही है हमें सुपर स्ट्रेंथ बनाना है तो इन सब चीजों पर हमें काम करना होगा साथ में मिलकर अगर हम परेशान हो जाएंगे मैं हमेशा कहता हूं अगर आप परेशान दिमाग के साथ लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा नहीं कर पाओगे ट के साथ शांत दिमाग हमेशा सोल्व कर सकता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को तो इस बात को पकड़े रहना कि लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा पेशेंसा करेगुलर होने लगेंगीट इट दिस इज क्वेश्चन नंबर वन सो क्वेश्चन नंबर टू दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री देन वी है सोल्यूशन ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं देर आर एट टीम्स आई आईपीएल ईच टीम प्लेज विद अनादर टीम ट्वाइस जैसे इस फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने रीड किया इतना मुझे क्लियर हुआ कि सर दिस इज गोइंग टू बी डबल राउंड रॉबिन क्या ये आपको भी क्लियर हुआ अगर ये जैसे रीड करते अगर आपको ये क्लिक हो रहा है इट मीन यू आर एबल टू इंटरप्रेट द डेटा कि सर तुम्हें डेटा समझ में आने लग रहा है ठीक है विनिंग टीम गेट्स टू पॉइंट लूजिंग टीम गेट्स जीरो पॉइंट एंड नो मैच एंड ड्रॉन और टाइट ठीक है सर so, विन है लूज है जीरो पॉइंट है, है और कोई टाई और ड्रॉ तो होने ही नहीं वाला है ठीक है टॉप फोर टीम सेमीफाइनल का भी राउंड हुआ है मेरे पास. के जो विनर्स है विनर ऑफ द फाइनल गेट्स ट्रॉफी इनकेस ऑफ दस

समझ में आ रहा है क्या तो अगर पॉइंट सिमिलर है तो मैं बैटिंग एवरेज को कंपेयर करूंगा एंड देन उनको रैंकिंग दूंगा समझ में आया क्या पॉइंट ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अब ये चीजें सेमीफाइनल में लागू नहीं होती है सेमीफाइनल में द द विनिंग टीम्स देखो विनिंग टीम्स ऑफ सेमीफाइनल मतलब सर सेमीफाइनल में तो पक्का पक्का कोई जीतेगा या हारेगा वहां ड्रॉ का केस ही नहीं है और साथ में वहां पॉइंट्स का केस भी नहीं है तो सेमीफाइनल में तो पक्का विनर्स मिलने ही वाले बात समझ में आई क्या ठीक है सो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर मुझे क्या कह रहा है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर मुझे क्या कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द आईपीएल ठीक है पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस खेले अपन ने ठीक है अगर आपको याद हो डबल राउंड रॉबिन के बारे में टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालता हूं एन एन माइनस वन से कैसे निकालता हूं ना इट मीन मुझे वैल्यू रखनी एट इंटू सेवन विच गिवी फिफ्टी सिक्स तो क्या आंसर फिफ्टी सिक्स है ये मेरा आंसर 56 होता अगर सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता बात तो बात समझ पा रहे हो 56 सही है लेकिन सिर्फ वो लीग टूर्नामेंट मतलब फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट राउंड के अंदर जो सारे मैचेस होंगे उसी का ही टोटल नंबर ऑफ मैचेस है आगे सेमीफाइनल भी होगा तो जब सेमीफाइनल होगा तो उसमें टॉप फोर टीम आएगी तो जब चार टीमें जा रही है इट मीन दे आर गोइंग टू बी टू मैचेस दो मैचेस होने वाले एंड देन यहाँ के दो मैचेस के दो विनर्स जो कि फाइनल खेलेंगे उनका एक मैच तो 56 प्लस दो सेमीफाइनल के मैचेस और एक फाइनल का मैच तो इट गिव्स मी 59 नाइन एज अ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कहीं ऑप्शन में है क्या ये वाला नहीं है ये वाला नहीं है इट मींस नन ऑफ दिस गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर क्या बात समझ में आप लोगों को देखो यहां चीजें समझने लायक थी अगर आपने 56 जल्दी जल्दी में आंसर किया है इट मीन आपने कुछ डेटा मिस कर दिया आपने कुछ डेटा को इग्नोर कर दिया डायरेक्टली ये हमें काम नहीं करना है ये तो अभी छोटा सा सेट इतना सा आगे जाके हम इतना बड़ा सेट सॉल्व करेंगे कि मुझे दो लाइट लगेंगे पूरे सेट को दिखाने के लिए डिस्प्ले करने के लिए तो समझो हमारे लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बात क्लियर है क्या तो हमें समझ में आया कि सर टोटल मैचेस 59 क्यों हैं और 56 क्यों नहीं है बात समझ में आई

जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व किया था इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं है, उनकी रैंकिंग ऐसे लिख देता तो इतना मुझे पता है, है, तो वाली वाली है एलिमिनेट क्या ये बात हमें क्लियर है क्या ठीक है तो मुझे मिनिमम पॉइंट्स भी चाहिए और साथ में क्वालिफाई भी कराना है तो क्वालिफाई करेगी ये चार टीम्स क्वालीफाई करेगी ये चार टीम्स और इसमें से मिनिमम किसके हैं फोर के क्योंकि ये रैंकिंग इस हिसाब से मतलब रैंकिंग मतलब समझना अगर मैं फोर्थ वाले को उठाता हूं ना तो उसके ऊपर जो है वो या तो फिर इसके बराबर वाले पॉइंट्स वाले हैं या इससे बड़े वाले है? बात समझ पा रहे हो और इसके जो नीचे है वो या तो फिर इसके बराबर है या फिर इससे कम पॉइंट वाले लोग भागे बात समझ पा रहे हो तो जो फोर्थ वाला है मुझे मिनिमम पॉइंट्स भी चाहिए और साथ में सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी कराना है मतलब इसी इंसान की बात कर रहा हूं मुझे बताओ इसको मुझे मिनिमम पॉइंट्स देने हैं

तो पहले जो इंसान है वो अगले सात जनों के साथ खेलेगा तो सात मैचेस लेकिन डबल राउंड रॉबिन है तो, मैचेस? मैचेस. तो जीत जाता है कितने पॉइंट मिलेंगे अब ये वाला जो है इन सबको हरा देगा लेकिन इससे हार जाएगा तो इससे कितने मैचेस हारेगा ये दो मैच हारेगा मतलब इससे चार पॉइंट कम होनी चाहिए इटमीन इसके ट्वेंटी फोर देन इसकी बात करें तो ये इन दोनों से हार जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके और चार पॉइंटी तो पॉइंट इनको मैं इतने ही मैक्सिमम मैक्सिम बांट सकता हूं इससे ज्यादा मैक्सिमम कहीं पॉसिबल है ही नहीं ठीक है इन तीनों का सम कितना हुआ इन तीनों का सम होता है सेवेंटी टू तो इसका मतलब ये जो लास्ट के जो बचे लोग बाग, ये जो पांच टीम्स में इसमें कितना दूंगा मैं 112 एंड ट्वेल्व माइनस सेवेंटी मतलब इनके अंदर मुझे 50 पॉइंट्स ना 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 ना, 40 पॉइंट्स बांटने बात समझ पा रहे हो मतलब इन लोगों में मुझे 40 पॉइंट बांटने अबे 40 पॉइंट में बराबर बांट दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या क्योंकि अगर कोई टीम बराबर पॉइंट पे तो बैटिंग एवरेज अच्छी अच्छे होते होने की वजह से वो ऊपर हो सकती है मतलब 40 इज डिवाइडेड अमंग फाइव पीपल मतलब हर एक को 8-8 मिल जाएगा क्या मिल गया मतलब सर इन सब पॉइंट सेम है लेकिन सिर्फ इसका था ना बैटिंग एवरेज वो कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे लेवल का था दैट्स इस टीम की रैंकिंग हायर हो गई रैंकिंग हायर होने के कारण इसके तो मिनिमम है बट स्टिल इट इज टू द सेमीफाइनल राउंड तो मेरा आंसर होगा एट क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग फिर से एक बहुत ही अच्छे तरह से समझा रहा हूं अच्छे से समझते हैं सर पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए लेकिन साथ में क्वालिफाई भी कराना इट मींस मैं बात कर रहा हूं इस इंसान की

जैसे आठ से कम करोगे अगर आप पॉइंट तो ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा और कोई दूसरा रैंक हायर बढ़ जाएगी जिसके कारण वो क्वालिफाई हो जाएगा बात समझ पा रहे हो क्या ये मिनिमम वाला क्वेश्चन बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इसको तुम स्टार मार्क कर लेना राउंड रॉबिन में बहुत मजा आते हैं हमारे एग्जामिनर को इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बात क्लियर है क्या ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया मैक्सिमम वाला क्वेश्चन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉइंट्स

क्वालिफाई कौन कौन करेगा सर ये चार जो है ये सेमीफाइनल में जाएंगे सेमीफाइनल ये जो चार हैं ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट होने वाले हैं बात समझ पा रहे हो ठीक है सर मुझे उसको एलिमिनेट कराना है क्या ये उसको सेमीफाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचाना है मतलब एलिमिनेट तो कराना है मतलब एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं साथ में सर मैक्सिमम पॉइंट्स तो इस इंसान की शायद अपन बात कर रहे हैं जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स है एलिमिनेशन वाली टीम के अंदर इसके अगर मैक्सिमम पॉइंट है तो मुझे क्या करना है सर आप इस इंसान के मैक्सिमम पॉइंट लाओ इसके आप मैक्सिमम पॉइंट लाओ ठीक है मुझे एक बात बताओ इसको मुझे मैक्सिमम देना है तो जो इससे छोटे उनको तो मिनिमम मिनिमम दे कम कम से कम। जितना पॉसिबल है मैं इन तीनों को तो जितना मिनिमम उतना दे देता हूं ना देखो पॉइंट कितने एक सौ बारह हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सर पॉइंट्स तो लिमिटेड ही है बांट कितने रहा हूं मैं एक सौ बारह पॉइंट ही बांट रहा हूं इट मीनस

ये वाला जो इंसान है इस वाले इंसान की बात करें तो ये इन दोनों से जीता बाकी सबसे <coughs> बाकी सबसे हार गया इट मींस इन दोनों से इसके चार मैचेस हुए मतलब इसके पास पॉइंट हो गए एट इन सबका सम होता है ट्वेल्व तो इन पांच लोगों में मुझे कितने पॉइंट बांटने हंड्रेड एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व विच मी हंड्रेड पॉइंट मतलब सर आप इन पांच लोगों में सौ पॉइंट बांटने आपको पांचों को मैं बराबर बराबर बांट सकता हूं क्या यस yes, बांट सकता हूँ क्योंकि जिसकी बैटिंग एवरेज खराब होगी वो नीचे चला जाएगा जिनकी अच्छी होगी उसका रैंक अच्छा चला जाएगा ठीक है सब में सौ बांटने पांच जनों में मतलब सर इसके भी बीस पॉइंट्स इसके भी बीस पॉइंट्स इसके भी बीस और इसके भी बीस सबके बीस हैं लेकिन सर इन चार का बैटिंग एवरेज थोड़ा सा अच्छा रहा होगा इसका नहीं रहा होगा दैट्स वाई ये एलिमिनेट भी हो रही है लेकिन इसके पास मैक्सिमम पॉइंट भी है तो मेरे पास आंसर कितना हो हो जाएगा 20, 20 का का ऑप्शन ऑप्शन में में ए बात समझ पा रहे क्या मिनिमम जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट ही है बाकी चीजें लगभग लगभग सेम ही है हमें यही समझना है बस कि चीजें लगभग लगभग सेम है बस बाकी चीजें तो चलती रह रही है मैक्सिमम तो करना है तो नीचे वाले को मिनिमम कर दो अगर मिनिमम वाला क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले को मैक्सिमम करके नीचे वाले को मिनिमम कर दो समझ पा रहे हो क्या ठीक है तो क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ये ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे है। क्वेश्चन है? से सॉल्व करना थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को अपने साथ बैठकर सॉल्व करो अपन होता क्या ना ऐसे करते कि में समझ में नहीं आया ठीक है सर आप ऐसे करते हो आपका तरीका थोड़ा अलग है या ऐसी चीज है नहीं

ओके क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट कैन बी द मिनिमम विंस के बारे में बात कर रहे हैं विद विच अ टीम कैन विन आईपीएल ट्रॉफी अच्छा मतलब मुझे तीसरी बात समझ में आई सर इतना मुझे पता है कि सर एक तो राउंड वन है सेमीफाइनल है एंड देन फाइनल है बात समझ पा रहे हो ठीक है अगर किसी को आईपीएल ट्रॉफी जीतनी है तो क्या उसको फाइनल जीतना जरूरी है यस yes. उसको जीतना जरूरी है तो एक मैच तो यहां पर जीतना ही पड़ेगा उसको सेमीफाइनल जीतना जरूरी है क्या बिल्कुल जरूरी है

क्योंकि एक विन पर प्लस टू मिलता है अपन को तो आठ पॉइंट है इसका मतलब चार विंस होगी तो चार विंस उसको चाहिए कब राउंड वन में जहां डबल राउंड रॉबिन होने वाला अच्छे लेवल पर फिर उसको सेमीफाइनल जीतना है और फिर उसको फाइनल जीतना है मतलब फोर प्लस वन प्लस वन विच मी आंसर एज बी ऑप्शन विच इज सिक्स अब कैट में ऐसी चीजें पूछी जाती है कि जहां क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है अगर हमने एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लिया तो कहीं ना कहीं दूसरा क्वेश्चन क्या पता सिर्फ सेकंड में सोल्व हो जाए सिर्फ सेकंड में आपको लगता है क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए अपन को नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन है 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 ना कुछ नहीं है, बस पॉइंट्स की जगह विंस और कुछ चेंज नहीं है सिर्फ पॉइंट्स की जगह विंस लिख दिया बाकी थोड़ा सा केस अलग कर दिया बस बाकी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सेम टू सेम है ठीक है चलो लास्ट पॉइंट

सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स मुझे एक बात बताओ कोई ट्रॉफी कब हारेगा जब वो फाइनल हार जाएगा तो यहां तो कोई मैच नहीं जीत पाएगा वो लेकिन उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब उसको यहां तक तो तो मुझे फुल जिताना जिताना ही ही तो क्या सेमीफाइनल में उसका एक ही मैच होगा जो जीत सकता है yes. यस दो मैचेस होने वाले हैं जिसमें से वो एक मैच खेलेगा तो वो एक मैच जीत जाएगा ठीक है मुझे एक बात बताओ राउंड वन में हर एक टीम कितने मैच खेल रही है देखो टोटल टीम्स कितनी है आठ तो एक खेलेगी बाकी सात के साथ तो सात मैचेस तो वो लेकिन डबल राउंड ने इसलिए मैचेस तो मतलब चौदह वो खेलने वाली है तो क्या चौदह के चौदह मैचेस 14 के 14 मैचेस क्या वो जीत सकती है क्या यस yes, जीत सकती है पॉसिबिलिटी तो है जब वो फोर्टीन मैचेस यहां जीत जाएगी एक मैच यहां जीतेगी तो टोटल उसकी विंस कितनी हो गई फिफ्टीन विंस हो गई फिफ्टीन विंस के बाद वो पक्का से पक्का इतना पक्का है कि वो फाइनल खेलेगी लेकिन जो फाइनल हार जाएगी क्योंकि उसको ट्रॉफी नहीं जितानी इट मींस मेरा आंसर हो जाएगा सी 15 विंस गॉट इट अगर वो कहता कि सर आप तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस कराओ और साथ में फाइनल भी जिताओ तो मतलब मेरा आंसर हो जाता 16 लेकिन मुझे फाइनल नहीं हारना है फाइनल मतलब जिताना नहीं है इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विच इज 15 क्या बात क्लियर है आप लोगों को तो मैं मानता हूं था कि आपने पहले इसे अपने लेवल पर ट्राई किया था और अब हमने पूरी वीडियो देख ली अच्छे से कि कैसे पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है अपनी अप्रोच के साथ ठीक है तो कंपेयर दो कैसे सोल्व कर सकते थे अपन और अच्छे से कौन सा वो चीज थी जहां हम थोड़ा सा लेंदी मेथड यूज कर रहे थे कौन सी चीज थी कि हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड यूज करा जहां मिस्टेक्स के चांसेस थे समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एनालिसिस साथ साथ में करते चलेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि सर ये वाला सेट हमारे लिए डूएबल है या नहीं अगर आपके यहाँ स्ट्रेंथ बन जाती है तो कभी भी आपके सामने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट आएगा तो आप थोड़े से कंफर्टेबल होंगे बात समझ पा रहे हो तो एनालिसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही ठीक है अब हमारे पास एक नए तरह का क्वेश्चन आता है गोल्स फॉर एंड गोल्स अगेंस्ट मतलब कुछ नहीं होने वाला टूर्नामेंट सेम टू सेम सब चीजें सेम टू सेम मतलब मैचेस होने वाले हैं क्या बिल्कुल मैचेस होने वाले हैं राउंड रॉबिन होने वाले हैं बिल्कुल होने वाले हैं लेकिन साथ में आपको गोल्स से रिलेटेड भी डिटेल्स गिवन होगी क्या गिवन होगी कि सर ये मैच जीत तो गया कितने पॉइंट से जीता ऐसे क्वेश्चंस ये हार गया कितने पॉइंट से हारा बात समझ पा रहे हो तो अपन गोल्स लिखते कैसे समझो अगर मैं कहता हूं कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई फुटबॉल कंपटीशन है तो ऐसे लिखूंगा कि 4 2 अगर ऐसा लिखा हुआ है इट मीन सर इंडिया ने फोर गोल्स करें ऑस्ट्रेलिया ने टू करें और इंडिया जीत चुका है इंडिया won द मैच बात समझ पा रहे हो गॉट इट कितने मार्जिन से सर दोनों को माइनस करो टू गोल्स की मार्जिन से जीत चुका है बात क्लियर है क्या हम लोगों को ठीक है तो ऐसे हम रीड करते हैं बाई चांस ऐसे मैच आता है जीरो टू इट मीन्स सर ये वाली टीम हार चुकी है ये वाली जीत चुकी है अगर लिखा हुआ है टू टू इट मीन्स ट्रॉ बात क्लियर है तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है फुटबॉल से रिलेटेड फुट हॉकी से रिलेटेड रिलेटे टूर्नामेंट्स के बारे में अब मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन करने वाला हूँ इसको आप आराम से रीड करो कि क्या होने वाला है इसके अंदर एंड देन लुक इंट दूशन की क्या चीजें हम कर सकते हैं और साथ में ठीक है तो ये पूरा डिटेल है आपके सामने एक टेबल है कुछ नहीं है बस कॉम्पिटिशन हो रहा है मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एंड देन हमारा ये पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा इस तरह का सेट हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं सो so, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है लेकिन डुएबल सेट है इसको आप कर सकते हो साथ साथ में सो फर्स्ट ट्राई बाई योर सेल्फ सर तीन टीम्स हैं मैचेस होने वाले हैं गोल्स फॉर गोल्स अगेंस्ट मैच प्लेड मैच प्लेड वॉन लॉस ड्रॉन सब चीज आपको गिवन है Okay. Let's start. क्या लिखा हुआ है देखो ठीक है Following table gives the result of due मुझे एक बात बताओ, क्या ये single round -robin है क्या? क्या इतनी सी बात क्लियर हुई कि सर ये सिंगल राउंड रॉबिन है क्योंकि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक ही बार खेलने वाली है ठीक है टीम पार्टिसिपेटेड बिहार पंजाब टेबल को देखो सर बिहार, है, है। गोल्स मतलब सर, कुछ नहीं है बिहार ने जब इन दोनों के साथ मैच करा होगा तो उन गोल्स का टोटल जो है, वो टू है। दोनों मैच को मिलाकर ठीक है अगर पंजाब वाले की बात करो तो पंजाब ने इन दोनों जितने गोल्स उसने दोनों मैचेस में बनाए उन दोनों का सम कितना है थ्री। बात समझ पकड़ता हूं, में, में हूं अगेंस्ट के अंदर तो क्या है सर पंजाब के अगेंस्ट कौन कौन खेला होगा बिहार खेला होगा और हरियाणा खेला होगा ये दोनों खेले होंगे तो इन दोनों ने इसके खिलाफ कितने मैचेस कितने गोल्स करे सर सेवन गोल्स करे

हरियाणा के फॉर का मतलब क्या है कि इसने इन दोनों के खिलाफ इन दोनों के खिलाफ कितने करें और यही तो चीज मुझे कि खिलाफ कितने पॉइंट्स करें बात समझ पा रहे हो अब देखो इसका आंसर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दस सेकेंड में निकल सकता है कितने सेकंड्स दस सेकेंड में कैसे सर जो कि ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर जो गोल्स फॉर होते हैं वो इक्वल होते हैं गोल्स अगेंस्ट के इस चीज को लिख लो अपने दिमाग में छाप लो एज सिंपल एज ठीक है अब हम करते हैं देखो फोर प्लस सेवन प्लस मी ट्वेल्व दो और पांच कितना होता है दो और तीन होता है पांच तो यहां आ जाएगा सात आज समझ पा रहे हो तो सेवन इज द वैल्यू ऑफ हरियाणा के गोल्स फॉर वाला तो मेरा आंसर हो जाएगा सेवन अब सर लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपने तो ये चीज रटा दी कुछ प्रूफ है क्या आपके पास आ जाओ प्रूफ देख लेते हैं प्रूफ इंपॉर्टेंट है फिर बाद में कहते हो कि सर चीजें समझ में ही नहीं आती है फिर क्या कि सर कैसे आया ये समझो कौन कौन से मैचेस होने वाले बिहार पंजाब के साथ बिहार हरियाणा के साथ और पंजाब हरियाणा के साथ क्या इनके अलावा कोई मैचेस होंगे नहीं होंगे देखा जाए तो टोटल मैचेस कितने लग रहे हैं हमें ऐसे देखे तो काउंट करें तो सिक्स लेकिन हमने डबल बार काउंट करा हर एक चीज को मैचेस तो तीन ही होने वाले हैं अब देखो इनके अपन कुछ वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं जैसे बिहार ने ए गोल्स e मैं प्रूव कर सकूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो भी रहा है असल में ठीक है बिहार के जो अगर फॉर की बात करूं पहले मैं यहां पे फॉर निकाल लेता हूं तीनों के फॉर निकाल लेता हूं और फिर उनको अपन टोटल करते हैं फॉर का ना ठीक है बिहार के फॉर कौन कौन से हैं सर बिहार के फॉर मतलब ए प्लस सी ए प्लस सी ठीक है सर पंजाब के फॉर मतलब पंजाब का एक तो ये वाला फॉर और एक ये वाला फॉर मतलब बी प्लस ई बी प्लस ई ठीक बात ठीक है हरियाणा के फॉर तो हरियाणा का एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों का सब डी प्लस एफ डी प्लस एफ ठीक है ये कोई वैल्यू आई है ये? पता नहीं कुछ भी हो सकता है ठीक है छोड़ो नेक्स्ट अगेंस्ट ठीक है बिहार के अगेंस्ट पंजाब और इसने करें एक तो ये और ये बी प्लस डी बी प्लस डी ठीक है देन पंजाब के अगेंस्ट सर एक तो बिहार ने करें और एक हरियाणा ने करें इन दोनों का सम ए प्लस एफ ए प्लस एफ दिस इज एक्ट ठीक है लास्ट हरियाणा के खिलाफ सर एक तो बिहार है और एक पंजाब है एक बिहार एक पंजाब मतलब सी प्लस ई सी प्लस ई क्या ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपको इक्वल दिख रही है क्या अगर ये दोनों चीजें इक्वल दिख रही हैं वेरिएबल्स के अंदर इक्वल दिख रही है तो वैल्यूज के अंदर तो हमेशा इक्वल ही आएगी ना आज समझ पा रहे हो तो कि ऐसी बात समझो ना जो गोल आपके फॉर्म में आ रहा है वो सामने वाली टीम के अगेंस्ट में आता है सिमिलरली और इसका वाइस वर्सा तो कहीं ना कहीं, कहीं फॉर और अगेंस्ट इक्वल हो गया नाट तो चीजें सिर्फ रटे ही नहीं है हमने हमने अच्छे से समझी भी है कि सर ऐसा होता क्यों है और जनरलाइज वे कोई वैल्यूज नहीं लिए मैंने आपके सामने वेरिएबल्स लिए और वेरिएबल्स के सामने प्रूव किया है कि गोल्स फॉर और जो गोल्स अगेंस्ट है वो इक्वल है ही क्यों बात क्लियर है इसीलिए मेरा आंसर सेवन है बाकी दूसरे आंसर मेरे इसलिए नहीं है और सी एन डी हमें अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है लेकिन है नहीं समझ रहे हो ये एक ट्रैप है क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द कंपटीशन सर इतना पता है अभी अपन ने सॉल्व किया सर इन तीनों को मिला के आ रहा है छ में मैंने हर एक चीज को ट्वाइस काउंट किया है तो मैचेस कितने हैं सर बिहार का इसके साथ और इसके साथ पंजाब का इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है और पंजाब का इसके साथ हरियाणा का इसके साथ भी हो चुका है इसके साथ भी हो चुका है मैचेस तो तीन ही है ना तो आंसर मेरा तीन होगा अगर आपको छह लग रहा था तो कहीं कहीं ना थोड़ी सी आपने चुप हुई आपसे नन ऑफ तो हो ही नहीं सकता ना ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता बात समझ में आई ये क्वेश्चन तो देखो सबसे आसान है इसको तो मतलब अगर कैट में आ जाता है पूरा पजल इस क्वेश्चन को तो हर कोई करके आ सकता है ना अगर उसने डेटा हल्का सा रीड करा उसको पता लग गया कि सर सिंगल राउंड रॉबिन है मैचेस खेलने वाले हैं तीन टीम्स हैं आसानी से निकल सकता है कि कैसे मैचेस होने वाले हैं आज समझ पा रहे हो क्या

क्वेश्चन नंबर था हाउ मेनी मैचेस डिड हरियाणा विन अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि सर हरियाणा ने सर मैचेस कितने जीते हैं ये बताओ आपको तो, बस ये जानना चाह रहे हैं तो, ठीक है इतना तो मुझे पता है ना ठीक है एक चीज मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि इतना तो अपने पता है कि सर यहाँ सेवन आएगा ठीक है अपन ने अभी टोटल करा था सब कुछ ठीक है तो आप ही के सामने किया था टोटल अब अपन देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व होगा मुझे एक बात बताओ अपन सोचते हैं ये जो वैल्यू गिवन है ये ऐसे गिवन है क्या नहीं मतलब कह रहा, तो 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 रहा है कि डिफिकल्ट है। लेकिन पॉसिबिलिटीज तो दो ही है ना मेरे सामने तो समझ पा रहे हो क्या तो पॉसिबिलिटीज सिर्फ दो ही है कि या तो फिर पंजाब के खिलाफ ड्रॉ हो सकता है या फिर हरियाणा के खिलाफ तो दोनों चीजें अपन ड्रॉ कर सकते हैं तो देखते मैचेस कौन कौन से होने वाले देखो मैचेस मैं यहां लिख रहा हूँ बिहार का पंजाब के साथ होगा बिहार का हरियाणा के साथ होगा और पंजाब का हरियाणा के साथ होगा बात समझ पा रहे हो ठीक है अब मैं यहाँ दो केस बनाऊंगा ठीक है अगर अगर आज मैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं हूं कि कैसे अगर मैं फोर और लिखता इसका मतलब सर बिहार के फोर गोल्स है पंजाब के टू है अगर यहाँ टू और थ्री लिखता हूं इसका मतलब तो सर बिहार के दो है हरियाणा के तीन समझ पा रहे हो ऐसे ये एक केस है और ये दूसरा केस है मतलब सेम चीज यहाँ के गोल्स लिख रहा हूं मैं

या तो फिर गोल जीरो दो मैचेस है एक ये वाला और एक ये वाला मैच ठीक है तो या तो फिर बिहार ने वो एक गोल करा है जो हमें दिख रहा है या फिर पंजाब ने कराया अगर बिहार ने करा है तो पंजाब का जीरो हो जाएगा ना हरियाणा के खिलाफ अगर पंजाब ने करा है तो हरियाणा का जीरो हो जाएगा बात समझ पा रहे हो क्या यहां पर वैल्यूज लिखने वाले ये मैचेस का पॉइंट है बीच का ये टाई टाई वाला टाय वाला नहीं मतलब इधर इसके गोल्स इधर इसके गोल्स बात समझ पा रहे हो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटी है बिल्कुल नहीं है अच्छे से देखो सर मैंने क्या कहा सर एक मैच ड्रॉ होगा उसको देखेंगे भी अपन लेकिन इतना मुझे क्लियर लगा है कि सर यहाँ पे एक ही गोल हुआ है एक गोल कैसे हुआ होगा कि सर या तो फिर बिहार ने करा या फिर पंजाब ने करा तो या तो फिर बिहार ने करा या फिर पंजाब ने करा बात समझ पा रहे हो अब देखना बहुत फटाफट सेट होगा देखो ये बिहार और बिहार ये बिहार को दोनों को प्लस करो तो बिहार का फोर आ जाएगा क्या यस yes. तो बिहार का फोर कितना चाहिए तो टू तो, तो यहाँ टू. तो टू आएगा क्या बिल्कुल आएगा सर क्या प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम नहीं है कलर चेंज करते हैं ठीक है ये दोनों मैचेस इन दोनों पॉइंट्स की बात करो तो पंजाब का फॉर एक क्या है यहाँ पे पंजाब यहाँ पे पंजाब तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए सर पंजाब का फोर कितना, मतलब, कितना प्लस करो थ्री आए टू करो ना सर बात समझ पा रहे हो क्या कुछ नहीं आप ही के सामने सब चीज सेट करी कुछ नहीं करा मैंने आप ही के सामने सब चीज सेट करी इस बात को समझना ठीक है देखो यहां तो मुझे टाई मैच मिल गया अगर ये टाई है

चाहिए अब देखो हरियाणा ये रहा हरियाणा ये रहा इन दोनों को प्लस करूं तो क्या हरियाणा का फोर आना चाहिए क्या आना चाहिए तो दोनों का सम कितना आना चाहिए सेवन इन दोनों का सम कितना आना चाहिए सेवन वन में कितना प्लस करूं कि सेवन आ जाए सिक्स तो ये हो गया मेरे पास केस वन पूरा सोल्ड ये पॉसिबिलिटी वन है इधर बात करते हैं इधर सर ये वाला टाई हो चुका है तो मतलब इनकी मैंने बात नहीं कर सकता अब समझो यहां की वैल्यूज कैसे निकालू थोड़ा सा इनोवेशन चाहिए हमें

ये दोनों हरियाणा है हरियाणा का सम कितना आना चाहिए कैट में पॉसिबिलिटीज आना बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है पॉसिबिलिटीज के क्योंकि कैट नहीं चाहता कि आपका सिर्फ एक आंसर है वो चाहता कि आपके मल्टीपल आंसर्स आए और आप मल्टीपल आंसर्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो

जीरो वन टू सी आंसर समझ पा रहे सी डी मेरा आंसर होगा क्योंकि, सर या फिर है, या फिर है। क्योंकि सर मुझे नहीं पता कि सर कौन से, केस से आप ले रहे हो तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू हो सकती है इतना पता दो लेकिन एटेंट मोमेंट कौन से ट्रू यह मुझे नहीं पता देट्स वाई माइसर एक ऑप्शन अगर ऐसा आता ई ऑप्शन क्या लिखा होता वन और टू तो मैं इसको टेक करता सी एन डी को इग्नोर करता बात समझ पा रहे हो तो ऑप्शन के साथ खेलना है मैं क्वेश्चन के साथ ठीक है वॉट डिड द स्कोर कार्ड रेड इन फेवर ऑफ पंजाब इन पंजाब हरियाणा मैच ठीक है सर पंजाब हरियाणा मैच को देखते हैं कौन सा मैच है सर पंजाब का और हरियाणा का मैच मतलब सर लास्ट वाले मैच की बात कर रहे हो कितने पॉइंट है एक तो जीरो सिक्स है वन फाइव है क्या है सर एक तो जीरो सिक्स आ रहा है, ये केस वन है और पंजाब का स्कोर पूछ रहा है हरियाणा तो के खिलाफ की क्या था यह जीरो है। मुझे एक बात बताओ ऐसे तो मैं पता लगा ही नहीं सकता कि कौन सा मेरा सही आंसर है क्योंकि पॉसिबिलिटीज है बट ऑप्शन को पढ़ते हैं टू फाइव हो सकता है नहीं हो सकता वन फोर हो सकता है सर वन फोर तो नहीं हो सकता क्या वन सिक्स हो सकता है नहीं सर वन सिक्स नहीं जीरो सिक्स होता बी माई आंसर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अपन तो यहाँ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे और आपके पास तो डेफिनेट आंसर है समझो कैट खेलता है हमारे साथ पॉसिबिलिटीज के साथ लेकिन कभी क्या पता सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ

लेकिन ऑप्शन चार है और जो मेरा नियरेस्ट ऑप्शन है उसी को तो मैं टिक करूंगा ना जो पक्का तो पक्का पता ना कि ये सारा तो पक्का नहीं है उसके चांसेस है 50 तो हो सकता है ना समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्वेश्चन को ठीक है लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ठीक है हाउ मेनी मैचे डिड पंजाब लूज सर पंजाब ने कितने मैच हारे सिंपल सी बात यही पूछी गई है और कुछ नहीं है पंजाब ने कितने मैच हारे अगर आपको लग रहा है कि आंसर ये है आप बिल्कुल सही होते होते गलत हो जाओगे क्योंकि ये आंसर तो नहीं है देखते हैं आंसर ये क्यों नहीं है क्योंकि जहां तक मुझे याद है पंजाब के जो मैचेस हुए थे ना वो मुझे याद है देखते हैं एक तो पंजाब का फर्स्ट मैच है और एक लास्ट मैच है पंजाब का बिहार के साथ है और पंजाब का हरियाणा के साथ है है ठीक पंजाब इस वाले मैच में देखिए पंजाब के ये वाले पॉइंट्स है तो पंजाब ये वाला मैच जीत रहा है क्या तो पंजाब विन विन आ रहा है ठीक है एक पंजाब का ये वाला मैच है जीरो पॉइंट करें पंजाब में तो यहां पे लूज विन और लूज इस वाले केस में इस वाले केस का यहां लिख रहा हूं यह इस वाले केस का इस वाले केस का देखते हैं जस्ट सेकेंड इस वाले केस का यहां लिखते हैं ठीक है यहां देखें तो पंजाब और हरियाणा के बीच में हुआ था एक क्या हुआ एक की बात करें तो पंजाब का वन पॉइंट इसका फाइव। मतलब लूज क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे हाउ मेनी मैचेस डिड पंजाब लूज लूज की बात कर रहे हैं ना ठीक है काउंट करते हैं इस केस में कितने लूज हो रहे हैं सर एक लूज हो रहा है कितने एक लूज इस केस में कितने लूज हो रहे हैं सर एक ही तो लूज हो रहा है इट मींस माई आंसर विल बी ऑप्शन बी समझ पा रहे हो मतलब पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद हमारे पास एक डेफिनेट आंसर था क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है क्वेश्चन मैचेस के स्कोर को लेकर नहीं है ये क्वेश्चन वैसा है कि सर लूज वाला अब मुझे अगर विन पूछता तो विन में पक्का नहीं बता सकता था विन भी बता सकता हूं कि एक तो विन है एक ही विन है लेकिन विन बता नहीं सकता हूं क्योंकि इस केस में विन हो सकती है लेकिन इस केस में विन नहीं हो सकती तो विन के बारे में डेटा नहीं दे सकता टाई के बारे में डेटा नहीं दे सकता लेकिन लूज के बारे में दे सकता हूं क्योंकि दोनों मैचेस में या दोनों केसेस के अंदर एक बार तो पक्का हारेगा किसके सामने हारेगा हरियाणा के सामने हारेगा समझ में आई क्या बात ठीक है सो हाउ वाज द लेक्चर